अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं, तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की गुरुजी की तरफ से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। क्रू की विजय यात्रा, कंट्रोल नेट बस कम्युनिकेशन को सर्विस में लिए हमारे बाल्को 1200 के आईएमबी समूह। बैटरी के डिस्चार्ज टेस्ट किए जाने के माध्यम से 1.5 लाख रुपए की बचत किए हमारे JTPL के इलेक्ट्रिकल समूह। वेदांता के ऑपरेशन हेड से ईमेल द्वारा प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे बाल्को 540 के मैकेनिकल समूह। इंडियन रेलवे के उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रदान किए स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। क्रू की विजय यात्रा, क्रू की विजय यात्रा में एक और उच्च स्तरीय मुकाम के रूप में क्रू द्वारा अब तक संपन्न किए बेहद बेहतरीन प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बार फिर तेंजटको से हमें एक और बहुमूल्य प्रोजेक्ट की प्राप्ति हुई है। ये प्रोजेक्ट हमें तूतुकुड़ी बंदरगाह VOC पोर्ट एवं कोल हैंडलिंग सिस्टम को स्थापित करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट को संपन्न करने के लिए तेंजटको संस्था ने हमें 18 महीने का समय निर्धारित किए हैं। इनमें नीचे दर्शाए ये सभी कार्य शामिल हैं: डिजाइन, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टिगेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेरीन सिविल स्ट्रक्चर्स, मैकेनाइजेशन, फैब्रिकेशन, असेंबली एंड टेस्टिंग, कमीशनिंग और ऊपर दर्शाए कार्य संपन्न होने के पश्चात इस सिस्टम को O&M ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस कार्य के लिए 2 साल यानी 24 महीने के लिए हमें प्रदान किए हैं। कंट्रोल नेट बस कम्युनिकेशन को सर्विस में लिए हमारे बाल्को 1200 के IMD समूह। हमारे बाल्को 1200 साइट के ESP और CSP में PLC कंट्रोल नेट बी बस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से ही चली आ रही थी। इसे देखते हुए श्री वी सेंदिल नादन जी ने श्री सुंदर राजन जी IMD के सीनियर इंजीनियर से इसे ठीक किए जाने के लिए दबाव दिए। इस पर एक ही नेटवर्क में संचालित होने वाला सिस्टम अगर फेल होने पर तो इसे दूसरे कम्युनिकेशन बस के माध्यम से सिस्टम को संचालित नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए ही इसे सर्विस में लिए जाने पर जोर दिए। इसमें सुधार किए जाने के लिए इसके दोनों बस कम्युनिकेशन को सर्विस में लेकर उसे रेडंडेंसी के माध्यम से चलने के प्रकार इसमें बदलाव कर इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। हमारे बाल्को 1200 के C&I समूह की इस महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए बाल्को 1200 के क्लाइंट ने IMD के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। बैटरी के डिस्चार्ज टेस्ट किए जाने के माध्यम से 1.5 लाख रुपए की बचत किए हमारे JTPL के इलेक्ट्रिकल समूह। बैटरी की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किए जाने के लिए इसमें निर्धारित समय अवधि काल के अंदर डिस्चार्ज टेस्ट किया जाता है। उस प्रकार से हमारे JTPL साइट में इस बैटरी डिस्चार्ज टेस्ट को आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने के लिए उन आवश्यक तैयारी के उपाय किए। इसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने की वजह से इसमें हमारी संस्था को तकरीबन 1.5 लाख तक की खर्चा होती है। इसे देखते हुए हमारे JTPL के इलेक्ट्रिकल के समूह ने इसे श्री मुकेश जी सीनियर इंजीनियर C&I के उनके मार्गदर्शन पर इस कार्य को स्वयं ही किए जाने का निर्णय किए और अपनी बेहतरीन योजनाओं के साथ पिछले 25 तारीख को शुरू कर इसे 26 तारीख को सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। इस कार्य को हमारे समूह द्वारा किए जाने के कारण इसमें हमारे समूह ने तकरीबन 1.5 लाख की बचत किए हैं और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे JTPL के इलेक्ट्रिकल के समूह को रेसिडेंट मैनेजर श्री मुत्तु स्वामी जी ने उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। वेदांता के ऑपरेशन हेड से ईमेल द्वारा प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे बाल्को 540 के मैकेनिकल समूह। हमारे बाल्को 540 मेगावाट EHV साइट में बॉटम ऐश को डिस्पोजल किए जाने में हमारे O&M के समूह को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यूनिट 3 और 4 के स्क्रैपर कन्वेयर की स्लरी ट्रंच लाइन बार बार चौक हो जाया करती थी। राख वाला जल इस ट्रंच की मात्रा से भी अधिक इसमें आ जाया करती थी। इसकी वजह से वहां का पर्यावरण भी बेहद प्रभावित हो रहा था। इसे साफ करने के लिए भी बेहद अधिक मात्रा में मानव संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसकी स्लरी पंप सेक्शन लाइन लीकेज के कारण इसमें बार बार प्रेशर ड्रॉप हुआ करती थी। इसकी वजह से स्लरी पॉन्ड की सेक्शन पाइपलाइन में मात्रा से अत्यधिक राख वाले जल को कायम रखना पड़ता था। इसके साथ ही ट्रंच में बार बार छोक हो जाने के कारण पंप की स्टार्ट स्टॉप भी ज्यादा होकर सिस्टम की विश्वसनीयता
में भी बेहद कमी आ रही थी। इस दिक्कत से पूर्ण रूप से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने पहले इसमें उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों की जांच की है। उसके पश्चात इसे ठीक करने के लिए हमारी संस्था के उच्च अधिकारी श्री पी सेंदिल कुमार जी से श्री के लीबन जी द्वारा इसके बारे में विचार विमर्श कर उनके मार्गदर्शन के आधार पर इस ट्रंच में एसपी वाटर जेट लाइन को लगाए। अब इसके वजह से ट्रंच चॉकिंग एवं ट्रंच ओवरफ्लो को पूर्ण रूप से नियंत्रण किए। इसके साथ ही बिना रुकावट के ये राख वाला जल बिना चौक के स्लरी पॉन्ड में आने के लिए उसके मुताबिक स्लरी पंप की सक्शन पाइपलाइन को सेरामिक कोटिंग पाइपलाइन में इसे पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पूर्वक इसे बदल कर लगाए हैं। डीवाटरिंग बिन में से कन्वेयर के माध्यम से इन राखों को एजिटेटर टैंक तक ले जाते हैं। उस कन्वेयर का स्ट्रक्चर एवं उसका एंगल क्रॉस इस राख के जल के कारण पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी थी और इसके बारे में सही समय पर हमारे क्लाइंट को सूचित कर और किसी भी दिक्कत के आने से पहले ही इसे सुरक्षा पूर्वक बदल कर लगाए हैं। इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने की बदौलत हमारी सिस्टम रिलायबिलिटी में भी बेहद वृद्धि हुई है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे बालको के ऑपरेशन हेड श्री अरुण प्रसाद जी ने हमारे समूह को इसके लिए ईमेल द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारी संस्था के उच्च अधिकारी श्री पी सेंदिल कुमार जी एवं श्री के लीबन जी ने श्री राज जी एवं एएचवी मैकेनिकल के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। इंडियन रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रदान किए स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हमारे टीएसपीएल साइट में क्रू के रेलवे विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और इस 3 दिन के प्रशिक्षण को इंडियन रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए हैं। हमारे टीएसपीएल के आरएम डीआरएम एवं रेलवे विभाग के एचओडी की बेहतरीन प्रयास एवं हमारे कर्मचारियों की पूर्ण सहयोग से अपने साइट के रेलवे एवं ऑपरेशन और हमारे मेंटेनेंस के कार्य बिना प्रभावित हुए और बिना किसी रुकावट के इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। मध्य रेलवे विभाग के बठिंडा डिवीजन के अधिकारियों के माध्यम से प्रदान किए इस प्रशिक्षण में तकरीबन 50 से भी ज्यादा कर्मचारियां प्रशिक्षित हुए। इसमें यार्ड मास्टर, लोको ऑपरेटर, पॉइंटमैन, शंटमैन एवं सभी मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारियां शामिल हुए और उन सभी ने कहा कि ये प्रशिक्षण उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी के जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।